नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, स्वागत करता है ये झारखंड का ब्राह्मण छोरा आप सभी को फिर से एक अमेजिंग ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज मैं जहां जाने वाला हूं वो मैं आप लोगों को बोलकर नहीं, सिर्फ आप लोगों को ब्लॉगिंग में दिखाने वाला हूं। तो बिना किसी लेट के और बिना किसी बकबक के आज का जो ब्लॉग है उसका शुभारम्भ करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग यहाँ बेरमो स्टेशन पहुँच चुके हैं। ये बेरमो खटाल के नाम से भी जाना जाता है। और मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ बेरमो स्टेशन। ये देखने में छोटा है बट यहाँ से आप लोग डायरेक्ट ट्रेन पकड़ सकते हैं कलकत्ता धनबाद के लिए। बोला जाता है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये वही चीज़ है। ये बेरमो स्टेशन है हमारे यहाँ का। और चलिए आगे चलते हैं और आपको लोगों को दिखाते हैं कि ये स्टेशन मतलब देखने में कितना ज़्यादा छोटा है। फिलहाल तो अभी आप लोग इस जगह का व्यू देखिए, कितना यहाँ बेरमो खटार है। यहाँ लोग मतलब हम लोग को अगर दूध दूध लेना रहता है हम लोग यहीं से लेते हैं। और आप लोग व्यू देख रहे हैं बादल का, कितना खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। बहुत ही मज़ा आ रहा है हम लोगों को मोटो ब्लॉगिंग करने में। अभी हम लोग के लिए सरप्राइज़ है, कहाँ जा रहे हो आप लोगों को बताएंगे। देख सकते हैं ये बेरमो स्टेशन है, बाइक थोड़ा स्पीड है जिसके कारण पार हो गया। और हम लोग अभी जहाँ जाने वाले हैं ना, वो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट कर गेस कर बताइए कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। ये वीडियो हम लोगों का पार्ट बाई पार्ट आने वाला है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है और मैं नहीं चाहता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो और आप लोग अनसाए। ये है दामोदर नदी, यहीं पे बेरमो के लोग छठ पूजा का मतलब करते हैं, जो पूजा पाठ किया जाता है वो। और अभी एक आगे में रास्ता है, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। और ये आप लोगों को जो रास्ता दिख रहा है, ये पुल, यहाँ से आप लोग सीधा जेना मोड़ और पेटवार जा सकते हैं। ये शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ पर चेकिंग उकिन के लिए कोई टेंशन नहीं है। और दोस्तों, अब क्या है कि हम जहाँ से 11 और 12 का स्टडी को कंप्लीट किए थे, आप लोगों को स्कूल में दिखाने वाला हूँ। स्कूल का नाम रामविलास है, जो कि जंगलों के बीच में स्थित है। आप लोग देख सकते हैं ये नज़र आ रहा है, ये रामविलास है। यहीं से मैंने अपना 11 और 12 को कंप्लीट किया था। और अभी हम लोग जब स्टडी कंप्लीट कर रहे थे, स्कूल उतना अच्छा से बना हुआ नहीं था, बट आप लोगों को आगे जाके देखने को मिले। देखिए ये नया नया बन रहा है, ये रामविलास का ही है, ये नया बन रहा। और अभी हम लोग बेरमो पार करने वाले हैं। और अभी जो व्यू आप लोगों को देखने मिलने वाला है ना, ये व्यू काफ़ी ही सुंदर व्यू है। आप लोग मतलब ये व्यू के लिए अक्सर मैं सोचता हूँ कि काश हमेशा ये व्यू मुझे देखने को मिले। तो चलिए आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो को मैं दिखाता हूँ, और जब करगली इन करेंगे तब आप लोगों को बताएंगे। और दोस्तों, अभी जस्ट मैं करगली इन करने वाला हूँ, और अभी आप लोगों को मैं यहाँ करगली का मार्केट दिखाऊंगा, जो कि काफ़ी ही यहाँ मतलब भीड़ चलता है। बट अभी क्या है कि दोपहर का समय है, हम लोग दोपहर में निकले हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा धूप है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे चौक है, और यहाँ पे आप लोग हल्का फुल्का देख सकते हैं कि कुछ लोग सब्जी उब्जी का लगाए हुए हैं, मार्केट लगा हुआ है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बोर्ड भी है, और यहाँ शाम के समय में चिल्ली चाउमीन सारा चीज़ मिला जाता है। और यहाँ से अभी हम लोग पार करने वाले हैं, और अभी आने वाला है करगली में महिला मंडल करके, वहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम मोटिवेशन सेमिनार लगाया था, जो कि झारखंड बिहार में नंबर 1 पे आया हुआ था। और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, एक मिनट। हाँ, ये है करगली का महिला मंडल। और अभी हम लोग जैसे कि हम लोग फुसरो इन करेंगे ना, तो आप लोगों को मैं फुसरो का भी नज़ारा दिखाऊँगा। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, हम लोग फुसरो मार्केट इन कर चुके हैं। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि फुसरो मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ चलता है, बट अभी दोपहर के समय में धूप के कारण यहां पे आप लोग को रोड पूरा खाली नज़र आ रहा होगा। और आप लोग किनारे देख सकते हैं, दोनों रोड के साइड में काफ़ी ज़्यादा दुकान ओपन है,
जहाँ पे बहुत सारे चीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और अगर कोई पर्सन बाहर से अगर यहाँ पे आते हैं ना, तो उन लोगों के लिए मेरा फुसरो मार्केट बेस्ट मार्केट है घूमने के लिए। यहाँ पे आप लोगों को सारा चीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम लोगों का सिनेमा घर भी है, जहाँ पे आप लोग नए नए फिल्म को देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का मार्केट है अच्छा सा। ये सामने में भी आ रहा वी मार्ट, ये मॉल है, फुसरो का नंबर वन मॉल में गिनती आता है। कुछ लोग आके यहाँ पे शॉपिंग करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। और अभी हम लोग आप लोगों को दिखाने वाले हैं, यहाँ पे एक है ओवर ब्रिज, तो उसको आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो चलिए जब आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अभी देख सकते हैं आप लोग किनारे में अभी आने वाला है, सामने में आप लोगों को फल उल का दुकान देखने को मिलेगा, समोसा का मिलेगा और बहुत सारा चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं जिस ओवर ब्रिज के बारे में बात कर रहा था, आप लोग देख सकते हैं सामने में ओवर ब्रिज दिख रहा है आप लोगों को। और अभी हम लोग जहाँ जाने वाले हैं, शायद आप लोग गेस कर चुके हैं, तो देख सकते हैं चंद्रपुरा 15 किलोमीटर, जेहलम और 16 किलोमीटर, बोकारो 32 किलोमीटर है। आप लोग गेस करके बताइए कि हम लोग ये तीनों जगह में से कौन सा जगह जा रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं खुसरो मार्केट का, जैसे मैंने बताया था, मार्केट काफ़ी सुंदर लगता है देखने को। यहाँ पे बहुत सारा आप लोगों को सारा चीज़ देखने को मिलेगा, फल है, गुच्चू है, टेडी बियर है, टॉफी है, मतलब इतना सारा चीज़ है कि मैं एक बार में बोल नहीं सकता। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा।